पैरों में पंख लिए जीत की उड़ान भरता है मेवात का फर्राटा धावक, नाम है परवेज। परवेज ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। हरियाणा के पिछड़े जिलों में शुमार नूह के परवेज ने तेलंगाना के वारंगल में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 60वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की 1500 मीटर दौड़ इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। परवेज नूह जिले के तावड़ू उपमंडल के गांव चहलका के रहने वाले हैं। अब बधाइयों का तांता लगा है और लोग कह रहे हैं कि परवेज ने सोना जीत कर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि हरियाणा प्रदेश और नूह जिले का नाम रोशन किया है। वहीं बेटे की कामयाबी पर परिजन भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो परवेज को और इस जैसे सभी मेवात के और अपने इंडिया के होंचा स्टेट के सभी प्रतिभान भावान बच्चों को मुबारकबाद देता हूं। और बस मैं यही कहना चाहता हूं कि परवेज आगे बढ़े और हिंदुस्तान के लिए खेले और कोई हिंदुस्तान लेवल पे भी मेडल लेकर आए तो ये खुशी में और चार चांद लगेंगे और मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द इस स्टेज तक पहुंचेगा। असल में ये इसको बचपन से रेस का वैसे शौक था, शुरू में कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि यहाँ तो ना तो कोई इस तरह के स्टेडियम है ना कोई इसको पुश करने वाला था, बस बच्चों में देख देख के ऐसे दौड़ता था स्कूल लेवल पे, ऐसे इसको शौक लग गया। परवेज के परिजनों का सपना है कि वो देश के लिए मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। परिजनों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि परवेज के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि उसकी प्रतिभा देश का नाम रोशन करने में काम आए। जिले के नगीना ब्लॉक के मेवात मॉडल स्कूल नगीना में पहली से नवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले परवेज ने मुंबई में 2018-19 के रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 800 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी कामयाबी में पहला कदम रखा था। इसी प्रतियोगिता में 2000 मीटर रेस में उन्होंने सिल्वर मेडल भी हासिल किया। इसके बाद दिल्ली एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित दिल्ली स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की 6 किलोमीटर रेस में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित 35वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 16 की 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। अपनी कामयाबी को बरकरार रखते हुए 2020 में गुवाहाटी में खेले गए खेलो इंडिया गेम्स के अंडर 17 में उन्होंने कांस्य पदक जीता। वहीं पिछले 4-5 सितंबर को एथलेटिक्स हरियाणा द्वारा भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित 8वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में 1500 मीटर गोल्ड मेडल के बाद उनका चयन 60वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। संदेश तो मैं देना चाहूँगा, असल में मैं एक बात कहना चाह रहा था, हमारा जो गांव है ये बहुत पुराना ऐतिहासिक गांव है दादा चकमल का और यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। हमारे गांव के लगभग 35 से 40 बच्चे आर्मी में हैं इस टाइम और वो यहीं इसी सड़क पर दौड़ के वो उन्होंने तैयारी करी है। बेचारा अगर यहाँ, मैं कहता हूँ अगर यहाँ कोई स्टेडियम नज़दीक या कोई इस तरह की खेल की सुविधा हो तो मैं मेवात तो या हरियाणा तो बहुत बड़ी बात है, मैं नेशनल लेवल के यहीं से कई प्लेयर इस गांव से निकल सकते हैं। और भी प्रतिभावान बच्चे बहुत हैं लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा उनको बेचारों को और वो जो है इसी चक्कर में रह जाते हैं। इस गांव के बच्चों को शौक बहुत है, एथलीट बहुत हैं इस गांव में लेकिन वो बेचारे वो दबे रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा निखर नहीं पाती। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, मैं ये जो है उम्मीद करता हूँ कोई जल्दी ऐसी सुविधा यहाँ करे मेवात में या हमारे क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सके, आगे बढ़ सके। हालांकि उनके गांव में कोई भी खेल का मैदान नहीं है लेकिन जिस तेजी से परवेज कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हैरत नहीं होगी कि गांव में खेल का मैदान उनके नाम पर ही बने। ताबड़ू हरियाणा से मोहम्मद शाहिद मेवाती की रिपोर्ट, आवाज द वॉइस।